हेलो एंड वेलकम बैक। आज मैं लेके आई हूँ शीर खुरमा की रेसिपी। आप उसे शीर भी कह सकते हैं, शीर खुरमा कह सकते हैं या सेवई भी कह सकते हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है जो बहुत ही कम टाइम में बनेगी। तो चलिए फिर बनाते हैं आज। शीर खुरमा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1.5 लीटर दूध। आप अपने अकॉर्डिंग, अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग ही आप मिल्क लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1.5 लीटर लिया है और इसको हम ठीक से बॉयल करेंगे। यहाँ पे मैंने गैस का फ्लेम रखा है मीडियम टू लो। जब तक मिल्क यहाँ पे बॉयल हो रहा है, अब हम सारे ड्राई फ्रूट्स को चॉप कर लेते हैं। ड्राई फ्रूट्स के लिए आप अपनी चॉइस का कोई भी ड्राई फ्रूट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास इस टाइम यही अवेलेबल था, तो मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप बादाम, 1 कप काजू, 1 कप पिस्ता और यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप किशमिश। इसके बाद आप ड्राई फ्रूट्स को घी में डाल के रोस्ट कर लें, हल्का सा ब्राउन, गोल्डन ब्राउन कर लें तो उसका टेस्ट अच्छा आता है। मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स रोस्ट नहीं किए हैं क्योंकि मैं यूजली बिना रोस्ट कर ही बनाती हूँ। अब यहाँ पे मिल्क बॉयल हो रहा है तो यहाँ पे मैं सारे ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दूँगी और मिल्क के साथ साथ इसको पकने दूँगी। गैस का फ्लेम हमको मीडियम टू लो ही रखना है, इसे दूध बर्तन पर चिपकेगा नहीं। और इसके बाद मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ इलायची। किशमिश मैं लास्ट में ऐड करूंगी जब सारे ड्राई फ्रूट्स ठीक से पक जाएंगे। बर्तन को हमें बार बार स्टर करते रहना है ताकि दूध नीचे जले नहीं, और उसको मीडियम लो पे ही हम पकाएंगे। दूध यहाँ पे काफ़ी बॉयल हो चुका है और ड्राई फ्रूट्स भी अच्छे पक रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी भी ठीक हो रही है। अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ शुगर। शुगर मैंने यहाँ पे 3/4 कप ली है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं। अब यहाँ पे मिल्क बहुत अच्छे से बॉयल हो चुका है और इसके ड्राई फ्रूट्स भी ठीक से पक चुके हैं। तो अब मैं यहाँ पे ऐड करूँगी किशमिश। किशमिश के बाद मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ सेवई। सेवई यहाँ पे मैंने रोस्टेड ली है। आपके पास अगर रोस्टेड ना हो तो आप पहले उसको घी में रोस्ट कर लें, फिर उसको आप बाद में ऐड करें। सेवई को आप मिल्क के साथ अच्छे से मिक्स कर लें और उसको मीडियम हीट पे पकाएं जब तक वो सॉफ्ट ना हो जाए। सेवई को सॉफ्ट होने में सिर्फ 10 से 15 मिनट ही लगते हैं, तो आप उसको मीडियम हीट पे 10 से 15 मिनट तक पकाएं। और यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं सेवई अब सॉफ्ट हो चुकी है और मिल्क भी थिक हो रहा है। अब लास्ट में मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1 कप हैवी क्रीम। हैवी क्रीम मैंने यहाँ पे 1 कप ही ली है, उससे बहुत रिच टेक्सचर आता है, आपको फिर खोए की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप यहाँ पे खोआ ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे हैवी क्रीम को स्किप कर सकते हैं और सिर्फ खोआ ऐड कर सकते हैं। हैवी क्रीम ऐड करने के बाद आपको इसको ठीक से मिक्स करना है और मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए पकाना है। करीब 5 से 7 मिनट पकाने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका टेक्सचर हो गया है काफ़ी थिक, और अब ये खीर अब बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब इसको आपको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, वरना वो ठंडे होने के बाद बिल्कुल थिक हो जाएगी। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी और प्लीज़ इस रेसिपी को ट्राई करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताइए कि आपकी रेसिपी कैसी बनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।